ये कल एक घटना हुई थी। एक भूमि विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से। उसमें एक महिला जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोग जाके वहाँ पे उनके जो काम करने वाले हैं उनको वहाँ से धमका रहे, भगा रहे हैं। इसका एक शिकायत फॉर्मली उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अभी वो जो भी अपराधीगण हैं वो घटनास्थल पर ही हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा रश किया गया। वहाँ जाने के बाद एक बोलेरो गाड़ी में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई वहाँ से, जिसमें 2 लोगों के पास पिस्टल था। एक 9 mm का पिस्टल था, एक 7.65 mm का था और 23 गोलियाँ थी 7.6 mm की, 7 गोलियाँ थी 9 mm की। ये रिकवरी हुई, एक बोलेरो गाड़ी थी। इन सभी से पूछताछ की गई। ये सभी लोग जो है एक वहाँ का स्थानीय इंटरस्टेट क्रिमिनल है गुड्डू राय, ये सब उसके आदमी थे। साथ ही जो भूमि विवाद से संबंधित जो भूमि विवाद चल रहा है उसमें जो दूसरा पक्ष है उसका बेटा अनुबंध राय भी था। तो इन लोग की गिरफ्तारी हुई है और जिनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा था गुड्डू राय, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कितने जमीन के लिए सर ये पीस ऑफ लैंड काफ़ी बड़ा है ये, और इन लोग का अपना पारिवारिक मामला है। जो दोनों पक्ष है वो आपस में चचेरे भाई बहन हैं और विवाद चल रहा है। पूर्व में भी कांड काफ़ी दर्ज हो चुके हैं इसमें। सर इन लोग की मंशा क्या थी सर, पुलिस को ये लोग वहाँ पे इन लोग को जो दूसरा पक्ष है उसको डरा के भगाने वाले थे, पिस्टल लेके गए थे, कोई बड़ी घटना कर सकते थे। और उसमें ऐसी बात आई है कि पैसे पे ये बात तय हुई थी, इनको पैसा भी देना था। क्या ये पेशेवर अपराधी ये सब? इसमें एक गुड्डू राय का जो है बॉडी गार्ड है जो जौनपुर का रहने वाला है, एक उसका भतीजा है जो बेटा का रहने वाला है, और 2 अन्य जो हैं जो गुड्डू राय के साथ ही रहते हैं वो दोनों रहते हैं। 4 आदमी गुड्डू हथियार लाइसेंस की है कि हथियार अवैध है, हथियार लाइसेंस क्या पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। और भी किसी की संलिप्तता होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी गिरफ्तारी हुई है और हम लोग इसमें त्वरित इसका विचारण करा के इन लोग को सजा कराएंगे। गुड्डू राय पर पूर्व से कितने मामले दर्ज हैं? गुड्डू राय पे अभी हमारे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से 10 केसेज हैं पूर्व से। इसमें यूपी के कुछ केसेस हैं और बाकी केसेस यहाँ के हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं यूपी के जिसकी जानकारी हमको नहीं है। सर प्रकृति क्या है केसों की, मतलब किस तरह के अपराध करते थे ये? क्रिमिनल है, हर तरह का इन्होंने अपराध किया हुआ है। इसमें आपको क्रिमिनल हिस्ट्री हम इसकी दे देंगे, आपको पता चल जाएगा।